हेलो सर, कैसा गया इंटरव्यू? हाँ, ठीक था, ओवरऑल ठीक था। क्या नाम है सर आपका? सर, रजनीश कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये पहला पहला जी। अटैम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू तक आए, तो आप अपनी अगर रणनीति आप 2 मिनट में आप शेयर कर पाओ, और शॉर्ट में ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए किस तरीके से पढ़ाई करी आपने? रणनीति दो लेवल पे होती है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल लेवल पे, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो और कैसे डील कर रहे हो अदर स्ट्रेसेस। एजुकेशनल लेवल पे आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक बुक्स, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, और उनको बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। और स्ट्रेस वगैरह हैंडल करने के लिए तरीका ये है कि आप लगातार लगे रहो अपने पास, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत रखो, अपने माइंड को फ्री रखो, उससे आप बेटर डील कर पाओगे और चीज़ों के साथ। तो बेसिक सा यही है कि आप शुरू करो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी अच्छे से करो, उनका एप्लीकेशन देखो, और आप देखो अगर कहीं पर कम हो रहा है तो उसको आप इंटरनेट के हेल्प से और चीज़ें आप करके आगे बढ़ा सकते हो। सर, कैसे तैयारी करी आपने? कोचिंग का सहारा लिया या फिर सेल्फ स्टडी रही नहीं, है? मैंने कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडीज़ प्लस टेस्ट सीरीज़, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। आप पढ़ो खुद से, फिर उसको टेस्ट सीरीज़ पे अप्लाई करो, जो मिस्टेक्स हो रही है उनको फिर से सही करो, यही करते रहो बार बार, धीरे धीरे चीज़ें सही होती जाएंगी फिर। ओके सर, सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने इंजीनियरिंग की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी, क्या रिसोर्सेज आपने अपनाए? आप देख सकते हो 2017 के टॉपर थे अनुदीप द्रोसेट्टी सर, उन्होंने बहुत सारी बुक्स की चीज़ें डाली हुई हैं, उन्होंने कैसे किया सारा कुछ चीज़ें। मैंने इनिशियली वहाँ से शुरुआत की, बट कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते 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 आगे बढ़ाता गया। तो आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, बेसिक बुक्स छोड़ के आप किसी की नोट्स या शॉर्ट नोट्स पे मत भगो, पहले बेसिक बुक्स, बेसिक नॉलेज और उनका एप्लीकेशन अपनी सोसाइटी पे, अगर इतना आप समझ जाओगे तो एंथ्रो बहुत आसान हो जाएगी। एप्लीकेशन एंथ्रो का कहाँ पे है उसको कनेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आपको एम्बर एंड एम्बर या फिर अदर जो भी बुक्स, बेसिक बुक्स हैं, उन्हीं से ही करना है आपको इनिशियली। बाद में लगता है कि हाँ आप किसी का रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो तो ठीक है। ओके सर, सर आप इंजीनियरिंग से हैं तो आपका सी सेट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन बहुत से एस्पिरेंट जो सी सेट में उनको बहुत डर लगता है और कहीं ना कहीं वो सी सेट की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, तो सी सेट के लिए आप कोई स्ट्रेटजी बताना चाहो, कोई बेसिक बुक्स बताना चाहो? सी सेट के लिए मैंने बुक्स तो कोई नहीं यूज़ की थी, जैसे आपने बोला कि मेरा ओवरऑल ठीक था, बट आप अगर अपना एप्टीट्यूड वर्बल और ये क्वांटिटेटिव दोनों एप्टीट्यूड अगर आप अच्छा कर लोगे तो आपको पैराग्राफ पे उतना रिलाई होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्वांट बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे तो आप चीज़ें डील कर पाओगे। इतना ही है कि आप वहाँ पे जनरल सेंस यूज़ कर पाओ, हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड अपना आप अच्छा बनाओ, वो भी प्रैक्टिस से ही कर पाओगे आप। तो सी सेट तो पूरा पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, नहीं आता है क्वेश्चन, आप पहले प्रैक्टिस करो, सीखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ाओ। सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट हो गया, थर्ड अटैम्प्ट, तीन तीन बार तक इंटरव्यू तक आ गए, लेकिन आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और आप इंटरव्यू तक आए हो प्री मेंस क्लियर करके, तो सर उनको, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस है, पर कुछ ऐसे पॉइंट आपको लगते हो कि शायद वो ये गलतियाँ कर रहे होंगे, कॉमन जो मिस्टेक हो उनको अगर आप क्लियर कर पाओ? मेन मिस्टेक जो मुझे समझ में आई वो ये होती है कि बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज जो पुराने लोग भी बताते हैं, जो आज भी चली आ रही हैं, लोग जानने के बाद भी गलती करते हैं कि ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है। आप एक बुक अच्छे से पढ़ो, 60-70% चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जो 20-30% चीज़ें बचती हैं आप इंटरनेट का सहारा लो या कि दूसरी बुक छोटा मोटा यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल सोर्सेस मत रखो आप, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, लास्ट में प्रोडक्टिविटी उतनी ही आती है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप एनसीईआरटीज़ वगैरह हटा देते हो कि छठवें की बुक है, सातवें की बुक है, इससे क्या आएगा। कभी कभी आप देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस पिक करते हैं, फिर वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड थिंग इज़ प्रैक्टिस। मैंने लोगों को देखा है कि बिना एक भी पेपर सॉल्व किए चले जाते हैं पेपर देने, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज़ और प्रैक्टिस, अगर इतना आप करते रहोगे तो ये तो नहीं बोल सकता है क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम सीट्स होती हैं, सब अच्छा करते हैं, बट चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। ओके सर, सर इसमें बोलते हैं घंटों देने पड़ते हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इतनी मेहनत तो कर लेते हैं एस्पिरेंट, लेकिन रिवीजन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, रिवीजन नहीं कर पाते, जब 10 दिन 15 दिन बाद फिर से देखते हैं तो वो जीरो हो चुका होता है जो पिछला हुआ था। तो आपकी कोई रिवीजन के लिए कोई ऐसी टेक्निक रही हो? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं, बस आप बार बार चीज़ें देखते रहोगे तो 4 बार 5 बार आप किसी चीज़ को देखोगे। जैसे मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, दोबारा मिलूंगा तो कुछ याद होगा, तीसरी बार मिलूंगा तो कुछ याद होगा। तो आप अपने चीज़ों से, अपने सिलेबस से बार बार मिलते रहो तो आप जानते रहोगे चीज़ों को।